सुल्तानपुर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं व छात्राओं को मिशन शक्ति के उद्देश्यों के बारे में किया गया जागरूक। सर्वोदय इंटर कॉलेज लंबुआ की गाइड द्वारा किया गया कार्यक्रम महिला सुरक्षा संबंधी बचाव हेतु टिप्स दी गई। सुल्तानपुर में मतदाता पंजीकरण की हुई शुरुआत। दिसंबर महीने के 15 तारीख तक नए मतदाता सहित गलत नाम पता व जन्मतिथि में सुधार करवाने के लिए आम जनमानस कर सकेंगे आवेदन। एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे ने मतदाता पंजीकरण की शुरुआत की। सुल्तानपुर के दोस्तपुर में बाइक रेस में एक बाइक सवार की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। दोस्तपुर नगर पंचायत स्थित देवापुर निवासी तीन लड़के दो अपाची बाइक से रेस कर रहे थे। बेवाना थाना अंतर्गत रसूलपुर स्थित नर्सिंग होम के पास दोनों बाइक आपस में टकरा गई, जिससे तीनों नीचे गिर गए और नवी की मौत हो गई। मुल्ला जो सऊदी से अभी गाँव आया था उसका दाहिना पैर कट गया और तीसरा गंभीर रूप से घायल है। सुल्तानपुर में बल्दीराय तहसील के नंदौली ग्राम सभा के प्रगतशील किसान अंतर्गत मिनी फ्लोर मिल पर कृषि उपनिदेशक शैलेंद्र प्रताप शाही ने लाल चंदन का पौधा रोपित किया। उज्ज्वल भविष्य के लिए जमील अहमद को आशीर्वाद दिया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमेठी में 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जनपद में अब तक पाए गए कुल 3093 कोरोना पॉजिटिव मामले, वर्तमान में है 93 एक्टिव केस। अब तक 29 लोगों की कोरोना से अमेठी में हो चुकी है मौत। सुल्तानपुर जनपद में बिन मौसम बरसात ने किसानों के लिए आफत खड़ी कर दी। धान की फसल पककर खेतों में ही खड़ी हुई थी कि दूसरी तरफ से खेत में पानी लबालब भर गए। जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के बगल के गांव तिवारीपुर व रुदौली गांव में किसानों की खड़ी धान की फसलें पानी में डूब गई। ऐसे में किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। यह तस्वीर किसानों की हालत बयां करने के लिए काफी है। पानी कैसे भर गया खेत में? बरसात है भैया, तो पानी नुकसान का हुआ आपका? धान का। सुल्तानपुर में विजिलेंस एवं विद्युत वितरण के संयुक्त टीम ने विद्युत उपकेंद्र शिवगढ़ क्षेत्र के धरियामऊ, मुकुंदपुर, चखनी कला, सरायम करकोला एवं गंगापुर गांव में चेकिंग अभियान चलाया। 16 लोगों के कनेक्शन कटने के बाद भी अवैध रूप से विद्युत उपभोग करते पाए गए, जिनके खिलाफ विजिलेंस थाने में केस दर्ज कराया गया। सुल्तानपुर में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। 4 सूत्रीय मांगों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दिया ज्ञापन। प्रमुख मांगों में जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था दूर किए जाने, पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न रोके जाने, कस्बा सुल्तानपुर में बाद मंडी पर व्यापार शुरू कराए जाने और मछली मंडी को उचित स्थान दिए जाने की मांग उठाई गई। अमेठी में मुंशीगंज पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। उनके कब्जे से अवैध स्मैक, एक देसी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। अभियोग पंजीकृत कर दोनों को जेल भेजा गया। सुल्तानपुर में थानाध्यक्ष कूड़ेभार मनबोध तिवारी का उप निरीक्षक से निरीक्षक नागरिक पुलिस पर प्रमोशन होने के बाद क्षेत्रीय लोगों ने थानाध्यक्ष को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर बधाई दी। सुल्तानपुर के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी राम सुरेमन यादव ने पड़ोस के अखिलेश चौहान व अभिषेक चौहान पर प्रतिबंधित नीम का पेड़ काटने की तहरीर पुलिस को दी है। कूड़ेभार पुलिस अनजान बनी रही। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीला को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।